ये मेन नहीं है, आपने लिक्विड कैसे बनाया वो मैंने क्वांटिटी वो उसका। अरे 500 ग्राम है ना, परफ्यूम था और मैंने क्या किया 2 किलो DEP डाला। 500 ग्राम परफ्यूम था, परफ्यूम अगर अच्छी क्वालिटी वाला रहा कम ज्यादा कुछ ऐसा, तो इसलिए दो किलो में मैंने 500 डाला। 2 किलो समझ गए, तो 4 किलो में 1 किलो हुआ, 4:1 के रेशियो में थोड़ा में 3:1 स्टैंडर्ड होता है, 3 किलो DEP और 1 किलो परफ्यूम स्टैंडर्ड होता है। ये मैंने है ना परफ्यूम महंगा और अच्छा है तो 4:1 में थोड़ा मतलब 4 किलो DEP 1 किलो बराबर। आपने ट्रे फिर अभी आता है दो किलो DEP डाला है, आधा किलो परफ्यूम डाला है, आधा किलो परफ्यूम, ये 2.5 किलो है, यानी कितना हो गया 1 किलो को 25%, ये 25% है, जनरली 33% होता है स्टैंडर्ड रेट। ये तो कोई 5-1-6-10-1 तक बनाने वाले है, सस्ता करना है समझिए, जितना वो ज्यादा हम डायलू करें उतना कॉस्ट थोड़ा डाउन होगा। 3:1 स्टैंडर्ड रेट है, 3 किलो DEP 1 किलो परफ्यूम, ये लिक्विड मिक्स कर दिया है इसमें। डीपिंग कैसे करते हो हमें वीडियो उठा भी बनपुड़िया बोलता है ना, मतलब पीला 500 का बंडल था याद है। लेकिन ये 2-4-5 सेकंड में ही उतना पी लेता है, वो परफेक्ट है। फिर बाद में कितना 10-12-15-20 सेकंड रखेंगे और पिएगा। जनरली सिस्टम ऐसा है कि डाल के तुरंत निकालते ही है, उतनी देर में तो पी लेता है। अच्छा सही ढंग से बत्ती बना है ना, तो 1 घंटे रहने दे, बाद में वजन करते हैं कितना हुआ कितना पिया वो पता चल जाएगा। ये ऊपर है ना देखो, ये सब पी लिया फटाफट, लिक्विड कुछ भी दिख नहीं रहा, 1 घंटा पड़ा रहता है ना वो दिखता नहीं है, फिर समझ गए। चलो डीपिंग हो गया कुछ नहीं है, घर पे बैठे।